हमारे इस तरह के जो टॉपर हैं या फिर इंटर अकेडमी के उधर करना के टॉपर है, आईबी जेईई में आपको बताया कि 95.5% का आया है, ऊपर से 97% जो 12th क्लास में एग्रीगेट का आया इनका, 100 मैथ्स में 100 कंप्यूटर साइंस में, जिन्होंने पढ़ा कैसे, मतलब क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, क्या हमारी बात इन्होंने मानी या नहीं मानी, थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करके बताओ। मैं कहना क्या वैसे केमिस्ट्री में बताऊं तो जो सर नोट्स बनवाते थे वो नोट्स जैसे सर क्लास खत्म होती थी घर आके आधे घंटे के ब्रेक के बाद में सारे नोट्स रिवाइज करता था लिख लिख के, कि जिससे जो भी सर ने बातें थी वो दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, एक जिस दिन घर गया उस दिन रिवाइज करा, फिर अगले दिन जब स्कूल से घर आया फिर उस मैं जो सर ने कल करवाया वो रिवाइज करा था, मतलब ट्यूशन में आने से पहले भी वो रिवाइज करके आ रहे और घर जाके भी रिवाइज किया, क्या करा है, ये दो काम करे बोले। फिर और क्या क्या किताब कौन सी पढ़ी आपने सर? आप तो आप ये बताओ यार बच्चों को कि आपने आईडी जेईई की तैयारी के लिए क्या किया सर? ध्यान से सुनना बच्चों, आईडी जेईई की तैयारी के लिए क्या किया? आईडी जेईई जैसे कोर्स खत्म हुआ तो मैंने यहां पे क्रैश कोर्स लिया। अच्छा, ये बात। हां, यहां पे क्रैश कोर्स लिया, तो जो भी सर ने यहां पे नोट्स में करवाया, एक तो जो मेरे पेपर में जो भी नोट्स में क्वेश्चंस कराए उसमें से क्वेश्चंस तो आए पेपर में एज इट इज, मतलब न्यूमेरिकल तो चलो डिजिट्स तो चेंज होती हैं पर एज इट इज क्वेश्चन है, और मतलब वही इसमें भी मैंने वही टेक्निक फॉलो करी कि जो भी सर ने लिखवाया वो मैंने घर जाके रिवाइज करा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, मतलब सर ने बताया था कि साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे मैंने आई डी जेई के ऐसे करके। तो मेन ये बात है कि आप लोग क्या करें, सिर्फ 11th के साथ अपनी 11th की स्टडी करिए, जो आई टी की तैयारी करे वो आई टी की तैयारी करे, जो डी की तैयारी करे वो डी की तैयारी करे, पर एन सी आर टी जरूर पढ़े। फिर 12th क्लास के अंदर 12th क्लास अपना कॉम्पिटिशन करते रहिए, और 12th का पेपर देते ही, क्योंकि आईटी जेईई का पहला पेपर जनवरी में है जिसकी तैयारी ढंग से नहीं हो पाती है, और फिर दूसरा पेपर अप्रैल में जिसकी तैयारी का भी समय नहीं मिल पाता क्योंकि बोर्ड खत्म हुए 10 दिन बाद पेपर है जनवरी का। तो आप लोग ये दो साल अपने खराब मत करना, जो इन्होंने बताया आपको एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना, ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच, बस आपको मिलवाना चाहिए।